सलाम एवरीबॉडी। बच्चे बहुत तजस्सुस रखते हैं। जिस तरह हमें घर में अद्वियात को बच्चों से दूर रखना होता है, उसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जो कि बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, जिसके अंदर ये ड्रेन क्लीनर्स, बर्तन धोने वाले साबुन और ब्लीच शामिल हैं। ये एसिड या तेज़ाब से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं और अक्सर हमारे घरों में ये आसानी से पाई जाती हैं और इनको हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये अक्सर औकात किराना की शॉप पे आपको ओपन और खुली बोतलों में मिल जाती है, जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो अपनी पसंदीदा मशरूब पीते हैं और जब ये उनको मिल जाती है तो वो इसको मशरूब समझ के पी लेते हैं और काफ़ी नुकसान बच्चों को हो जाता है। इस वीडियो में हम जो हैं इस बारे में बताएंगे और आपको एक बच्ची की छोटी सी कहानी सुनाएंगे, किस तरह उसने गलती से ब्लीच पी लिया और फिर उसके साथ क्या हुआ। आइए देखते हैं। अस्पताल क्यों आई हो आप? क्या गलती हो गई थी? घर में क्या चीज़ पी थी आपने? ब्लीच पी थी? ब्लीच क्यों पी ली थी आपने? क्यों पी थी ब्लीच? क्यों, किस बोतल में थी ब्लीच पड़ी हुई? हैं, तो आपका ख्याल था वो है? हैं, आपने इसलिए बोतल ब्लीच की पी ली थी? फिर क्या हुआ जब बोतल पी ली तो फिर क्या हुआ था बताएं? अस्पताल में आ गई थी। दर्द हुआ था ब्लीच पीने के बाद? किधर, कहाँ दर्द हुआ था? इधर हुआ था। ओहो, तो फिर आप अस्पताल में आ गई थी अभी? फिर आपको टीके लगे हैं? अच्छा, और आपका टेस्ट भी हुआ है? तो आप तो जो है ना, ब्लीच जो है ना वो की बोतल में तो नहीं रखनी चाहिए ना? ब्लीच को स्पेशल बोतल में होना चाहिए ना, है ना? इसलिए आपने गलती से पी ली थी, ऐसे ही है ना? ओहो, पता है ब्लीच का क्यों बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं? बिकॉज उसका जायका नहीं होता ना, जो तेज़ाब होता है ना उसका जायका होता है, कोड़ा होती है तेज़ाब, इसलिए तेज़ाब कम पीते हैं बच्चे। ब्लीच जो होती है वो बंदा ज़्यादा पी लेता है बच्चा, वो भी साड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए कभी कभी ख़तरा ज़्यादा होता है। ठीक है, सख्त है। बस आपने क्या करना है कि दो हफ्ते के बाद इसको दोबारा मुझे दिखाना है, ठीक है? लाजमी, क्योंकि आंत में ज़ख्म आते हैं, कई दफ़ा आंत के ज़ख्म जब भरते हैं तो आंत का साइज़ छोटा हो जाता है, तो हमने इसको मायने में रखना है बच्ची को। ठीक है, चलें। अभी मेरा ख्याल है आप लोगों को एक हफ़्ता हो गया इधर आए हुए तकरीबन। ठीक है, आपको छुट्टी कर देते हैं, फिर आपने मुझे दोबारा दिखाना होगा। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अभी कैसी तबीयत है? अभी आप मेरे पास दो हफ्ते के बाद आई हो ना, अभी पेट में दर्द तो नहीं होती? खाना पीना कर रही हो? क्या खा पी रही हैं? रोटी खा रही हैं? अच्छा, सारी तो पेट में दर्द तो नहीं होती अब जैसे पहले होती थी? मुंह में दर्द होती? ठीक है, आइंदा बोतल पिएगी? पक्की बात, ज़मीन से उठा के? ठीक है, चलो।